तो हेलो, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्वामिनी फ्रॉम टीम अलीपो, और वेलकम टू डे 4 ऑफ एम्ब्रॉयडरी। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ एम्ब्रॉयडरी के 4th डे के सेशन में। तो शुरू करने से पहले रीचा, मैंने ना आज एक छोटी सी पोएम लिखी है हिंदी में, तो आप शुड आई प्रोसीड विद इट? यस यस श्योर। तो यस, तो जैसे आई स्टार्ट विद इट। फूलों से भी कोमल और सुंदर होती है एक नारी। फूलों से भी कोमल और सुंदर होती है एक नारी, और उसके श्रृंगार में 4 चांद लगा देती है फुलकारी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हु रोट दिस? आई रोट इट। थैंक वाओ, सो हमारे यू पास एक पोएट भी है ग्रुप में अब। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लिखा है। थैंक यू रिचा। तो आपको इससे हिंट तो मिल ही गया होगा कि आज हम फुलकारी की एम्ब्रॉयडरी सीखने वाले हैं। रीचा हमें आज फुलकारी की एम्ब्रॉयडरी सिखाने वाली है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सेशन का फ्लो बता देती हूँ। तो सबसे पहले रीचा हमें कल की जो चिकनकारी में उन्होंने जाली वाला स्टिच जो सिखाया था वो उसका एक रिकैप देंगी, काफी क्योंकि काफी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, शिल गिव अ क्विक रिकैप टू द जाली स्टिच ऑफ चिकनकारी आर्ट। उसके बाद शिल इंट्रोड्यूस अस टू फुलकारी, देन शिल शो द यू नो ऑल द मटेरियल्स टू इट, एंड जहां जहां पे जो उनके पास साड़ीज हो, दुपट्टाज हो, कुर्ताज हो, जहाँ पे फुलकारी का वर्क किया हुआ है वो भी वो आपको दिखाएगी, ताकि आपको समझ आए कि फुलकारी कैसे है। यस यस सॉरी रिचा, ऑलराइट ऑलराइट ओके। तो वो आपको जो उन्होंने यूज किया हुआ है, मतलब उन्होंने जो बनाया है उस पे फुलकारी वर्क, वो आपको दिखाएंगी। उसके बाद वो हमें टेक्निक्स दिखाएंगी फुलकारी कैसे करते हैं, स्टिचेस कैसे करते हैं, उसमें भी फुलकारी में जो टाइप्स है उनसे आप जो हमें इंट्रोड्यूस कराएंगी। शी विल इंट्रोड्यूस अस टू द टाइप्स ऑफ फुलकारी स्टिचेस, एंड फिर हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे एज वी डू इट एवरी डे। फिर आपकी क्वेरीज और क्वेश्चंस जो है उनको भी हैंडल रीचा करेंगी, एंड इन द एंड जो आपने काम किया है वो भी हम रीचा को दिखाएंगे। विल शो योर वर्क टू रीचा, सो प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज फॉर दैट। ऑल राइट, सो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। विल विदाउट एनी डिले विल स्टार्ट विद टुडे सेशन। ओवर टू यू रीचा। Yeah. So hello everyone. So I'll be taking today's topic that is फुलकारी। आज मैं फुलकारी एम्ब्रॉयडरी के बारे में आप लोगों को सिखाऊंगी कि वो कैसे की जाती है। ये इंडिया की ट्रेडिशनल पंजाब की एम्ब्रॉयडरी है। इसका मेन ओरिजिन जो है वो पंजाब है, बट इट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, इनफैक्ट द वर्ल्ड। इवन बाहर के देशों में भी इसको बहुत ज्यादा इसको पहचान मिली है एंड बहुत ज्यादा लोगों ने इसको पसंद किया है। तो इसमें जो वर्ड इसका है फुलकारी, कारी मीन्स एम्ब्रॉयडरी और फुल मीन्स फ्लावर्स। तो इस इन लोगों के फुलकारी के जितने भी मोटिव्स होते हैं वो डिपिक्ट करते हैं फ्लावर्स, दैट्स व्हाई इट्स नेम एज फुलकारी। तो आज हम देखेंगे कि वही फ्लावर्स के मोटिव्स जो ज्योमेट्रिकल रहते हैं, मैक्सिमम चीजों में जब भी आप देखोगे इनके मोटिव्स वो ज्योमेट्रिकल होते हैं, राइट? तो उसको पहले हम कैसे बनाएंगे और किस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे वो पूरा टेक्निक मैं आपको समझाऊंगी, राइट? तो हम अपने टेबल में सेटिंग कर लेते हैं कैमरा की। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। यस यस श्योर श्योर। ओके, तो रीचा भी रेडी हो रही है उनके सारे सामान के साथ। शी विल गेट रेडी इन अ मिनट। तो आप भी अपना सामान तैयार रखिएगा जरूर, ताकि आप भी उनकी स्पीड को भी मैच कर सके और आपको भी समझ आए कि वो कैसे कर रही है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स वो यूज कर रही है। Yes, she is back. Yes. कैमरा मुझे यहाँ चाहिए। तो ये देखो आप, ये फुलकारी के प्रोडक्ट्स हैं। ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम बैठ के फिर अपना बाकी का काम करते जाएंगे, लाइक चिकन वर्क का जो क्रॉस वाला स्टिच था वो और बाकी। जरूर जरूर रीचा। तो आप इसमें देखो ये पूरा फुलकारी वर्क है, फाइन? दिस एंटायर थिंग इज फुलकारी। जब ये बहुत ज्यादा भरा होता है तो इसको ये लोग बाग भी बोलते हैं, मीन्स अ गार्डन फुल ऑफ रोजेस, गार्डन फुल ऑफ फ्लावर्स, फाइन? तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब डिपिक्ट करती हैं कि ये फ्लावर्स हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फुलकारी। ये देखो आप, जैसे ये है,
दिस इज अगेन अ फुलकारी है बट दिस इज मशीन वर्क. अगर आप पास से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मशीन वर्क है, पर आप इस तरह से हैंड से भी बना सकते हो अपने कुर्ते में, जैसे इसमें बना है, राइट. सो ये आप ऐसे पैनल में बना सकते हो, योक में बना सकते हो, एंड देन छोटे छोटे मोटिव्स दे सकते हो, या सिर्फ दुपट्टे में कर सकते हो. आप प्लेन कुर्ता रख के और दुपट्टे में सिर्फ छोटे छोटे फ्लावर्स वाले मोटिव्स दे दो, वो भी बहुत प्रिटी लगता है. उसके बाद ये वाला देखो आप, ओके, राइट. दिस इज हैंड फुलकारी एंड सी ऑल इट इज डन विद सैटिन थ्रेड. अब एक चीज नोटिस करो इसमें कि फुलकारी जो है वो सैटिन थ्रेड से होता है. मैं आपको अभी थ्रेड्स बताऊंगी ये कौन से होते हैं. इसको सिल्क भी बोलते हैं थ्रेड और सैटिन भी बोलते हैं. तो ये भी देखो पूरा ओवरऑल इस तरह का है एंड दे हैव दिस पर्टिकुलर फ्लावर्स, इस तरह के ज्योमेट्रिकल फ्लावर्स इसमें होते हैं, राइट. यस यस रीचा. Overall, this is very beautiful actually. Thank you. So, हमको कल ये वाली स्टिच करने में सब लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था. So, I said कि I'll show you in the live class, fine? Yes. So, मैं इसको आपको दोबारा करके दिखा रही हूँ एंड देन we'll move ahead with फुलकारी. So, हम ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से. Sure. Even the angle is perfect जो भी लिया था. Yes. आप सब लोगों को अच्छे से दिख रहा है तो प्लीज यस लिख दीजिएगा ताकि यू नो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. रीचा भी सिखा रही है तो आप अभी से हमें यस. ओके ओके थैंक्स थैंक्स फॉर योर फीडबैक एवरीवन. सो एज यू कैन सी रीचा इज ड्रॉइंग अ पैटर्न राइट नाउ. या So, अभी freshly से पूरा रीचा आपको सिखा रही है. We are really glad, रीचा, कि आप हमें कल का भी टॉपिक समझा नहीं इसलिए आप इतने अच्छे से फिर से आज के इसमें ही सिखा रही हो. We are really glad. My pleasure totally. I want everyone to learn it and use it. So, अगर नई कहीं भी questions हैं तो then on my point of view also I don't feel that good. So, I don't want anybody to go and after the video they have questions. Right. So my main aim is कि किसी के पास भी कोई questions ना रहे जब वो हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं उसके बाद. बिल्कुल बिल्कुल रीचा. Just this much I want. एकदम close. Okay. So yes, this is perfect, रीचा. The angle is good. It's perfect. Yes. Yes. ओके सो सी वी आर स्टार्टिंग. एक एक ब्लॉक हमको कवर करना है. फाइन. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. मैंने ये स्ट्रेट स्टिच लिया और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई ताकि पीछे से एक क्रॉस बन जाए. फाइन. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं गई हूं, देन मैं इस साइड आई हूं, देन अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये मैंने ऊपर से इसको बंद कर दिया ताकि मेरा बॉक्स क्लोज हो जाए. फाइन. यस. सेम वे अगेन आई विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड अगेन दिस साइड. इस तरह से आप बॉक्सेस बनाते जाइए. अगर पीछे कहीं पे क्रॉस नहीं भी आ रहा है तो इट्स फाइन, डोंट वरी अबाउट इट, पर कोशिश करो कि पीछे की साइड बॉक्स क्रॉस बने. हमको छोटी छोटी लाइंस में ही हमको अपने बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं, हम ऐसे लंबा लंबा नहीं लेंगे. फाइन. जस्ट एक एक बॉक्स कंप्लीट करके हम आगे बढ़ते जाएंगे. ऑल यू कैन डू इज एक साइड का बॉक्स कंप्लीट करो और रिटर्न में दूसरे साइड का कर सकते हो. फाइन. यस यस टीचर. श्योर. ये जैसे मैंने ऊपर की पूरी लाइन कंप्लीट कर दी है तो नाउ आई कैन गो टू द नेक्स्ट लाइन. मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां गई,
देन ऊपर में लिया मैंने okay right yes so this is how you can complete the entire box और ये बन के बहुत सुंदर दिखता है जी बिल्कुल we saw all your work yesterday रीचा काफी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था वो जब आपने कंप्लीट करके जो उसके फोटोज भेजे थे राइट 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 थैंक यू सो मच तो आप इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो ओके फाइन आई थिंक दिस स्टिच इज क्लियर नाउ इफ डू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस एक सेकंड आई विल जस्ट एनेबल द चैट चैट एनेबल ही है आई होप आप सब लोगों को अभी समझ आ गया होगा अब बस कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा अच्छे से ताकि आपको समझ आए कि रीचा कैसे सिखा रही है और वो कहाँ से मतलब यू नो कहाँ से इंसर्ट कर रही है कहाँ नेक्स्ट स्टिच ले रही है आप प्लीज यस जरूर लिख दीजिएगा अगर आपको ये क्लियर हो गया है अभी तो और अगर कोई क्वेरी है इसके रिलेटेड तो भी आप यहाँ पे अभी पूछ सकते हैं ताकि रीचा को है जो समझ जाएगा कि आपको क्या कौन सी चीज में प्रॉब्लम आ रही है ओके सो सानी जी एक सवाल यहाँ पूछ रही है रीचा आई जस्ट टेक अ क्वेश्चन इज दिस द सेम वन वेयर होल्स आर फॉर्म्ड नो 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 दैट वन वाज द वन व्हिच आई शोड अर्लियर दिस वन वाज द लास्ट वन ओके ओके फाइन ऑल राइट और मीरा जी भी एक सवाल पूछ रही है आई गेस शी इज आस्किंग द सेम इज दिस द सेम दैट शी टॉट यस्टरडे टू गेट स्मॉल होल्स बिटवीन द लाइंस ओके द होल्स वन वाज डिफरेंट दैट आई मेड ऑन द अदर फैब्रिक आई विल शो यू ओके ओके ऑन राइट आई कैन सी प्रीति जी आप पूछिए जाली स्टिच श्योर श्योर आई आस्क हर वंस जैसे ही रीचा वापस आती है हम फटाक से उन्हें पूछ लेंगे आपके क्वेश्चन ओके दिस इज द वन दैट हैज द होल्स और रीचा इट इज द सेम जाली स्टिच या दिस इज द जाली स्टिच राइट राइट सो आई गेस आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट हियर कि आप जाली स्टिच भी प्लीज एक बार दिखाइए Sure. Yes. So yes, जिन्हें भी जाली स्टिच सीखना है रीचा विल डेफिनेटली शो यू दैट एज वेल यस सो जो होल्स वाला है मैं यहाँ पे काफी देख रही हूँ क्वेश्चन होल्स जो जाली स्टिक है यस रीचा विल बी शोइंग इट राइट नाउ थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज एवरीवन थैंक यू सो मच आपने जो रिस्पॉन्स किया यहाँ पे तक क्योंकि हमें भी फीडबैक मिलना उतना ही जरूरी है राइट टीचर यस यस बिकॉज इट्स ऑलवेज एजुकेशन और लर्निंग और एनी टाइप ऑफ क्लासेस इज ऑलवेज टू वेज कम्युनिकेशन अगर दूसरी साइड से हमको पता नहीं चलेगा तो वी वॉन्ट बी एबल टू नो कि समझ में आ रहा है कि नहीं राइट राइट निकिता जी मैं आपका वर्क देख सकती हूँ बट विल जस्ट शो योर वर्क इन द एंड ताकि अभी हम लोग हमारी लर्निंग प्रोसेस पे ज्यादा यू नो फोकस कर सके सो वी विल जस्ट शो योर वर्क वंस रीचा इज डन विद द प्रोसेस थैंक यू सो गाइज हियर वी आर स्टार्टिंग विद आवर जाली वर्क यहाँ हम हमारे जाली वर्क के साथ शुरुआत कर रहे हैं कल जिसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हुआ था तो यह रीचा हैज ड्रॉन अ पैटर्न ऑफ लाइंस एज यू कैन सी जाली स्टिच में आप टू स्ट्रैंड्स लो ठीक है जैसे मैंने इसको डबल करके फोर लिया था अभी तक तो मैंने टू हटा के आई एम जस्ट टेकिंग टू स्ट्रैंड्स फाइन ताकि उससे फाइन जाली बने और अगर और फाइन चाहिए तो यू कैन इवन टेक वन स्ट्रैंड फाइन इज इट विजिबल यस यस रीचा इट्स क्लियरली विजिबल ओके तो हम इसको यहाँ सेंटर से स्टार्ट करेंगे गाइस
गाइस प्लीज इसे पहले ध्यान से देखिए और फिर ट्राई कीजिए ताकि आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए. जस्ट अ मिनट. तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. ऑल राइट. एंड आई एम टेकिंग अ स्टिच, अ स्ट्रेट स्टिच. दिस इज कॉल्ड अ बैक स्टिच इन फैक्ट, क्योंकि हम पीछे की तरफ आ रहे हैं. फाइन. ऑल राइट जी. अब हम इस साइड आएंगे और यहां से भी हम एक स्टिच लेंगे और इस साइड में कन्वर्ट करते जाएंगे. और जहां से हमने स्टिच स्टार्ट किया हम वहीं पे इसको करेंगे. ओके. वन ऑन दिस साइड एंड द अदर वन ऑन द अदर साइड. ओके ओके. नीचे वंस दिस इज डन आप हमें इसका बैक साइड भी दिखाएंगे राइट. हाँ मैं अभी थोड़ा सा बना लूं देन आई शो, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा. राइट राइट. तो रीचा जो है अभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिखा रही है ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो एंड यू गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर एट द फर्स्ट प्लेस. नाउ रीचा. यस. Meanwhile, I have a compliment for you from Sarika ji. वो कह रही है, please tell Richa ma'am, the dress she worn is very pretty. I would like to know, did she stitched it or purchased it online? No, it's like I got it made. Oh, all right, all right. Because उतना time नहीं रहता है कि stitch कर सकूं. Though I just stitch for my daughter sometimes. Okay. Because she is after making a mama, I want to wear the one which you will stitch. That's great. That's great. Vrinda ji, I guess आपके network में शायद से कोई issue हो सकता है because हमारे end से तो Richa का video clear दिख रहा है. Okay, you want it zoomed. All right. Richa, थोड़ा सा ना कैमरे की तरफ tilt करके दिखाइए आप ताकि. Actually, it's difficult. Can we have the camera on this side? Just wait, I'll just change the position of the camera. Yes, yes, yes. Completely fine, not an issue. So, Richa 2 minutes में आ रही है, वो अपना कैमरा जो है. Guys, please yes लिख दीजिएगा अगर आपको properly visible हो. No ma'am, I'm not ignoring your question. Can you please write it again ताकि मैं Richa को पूछ सकूं, शायद से वो ऊपर चला गया हो. So this is how we are going to do. Once on this side and once on the other side. All right. Now, if you can see, because there's a window there, so you can see the holes. Yes, yes. Okay. अभी वो proper देख रहा है actually Richa, you know, मतलब proper the holes की जो lines है वो काफी अच्छे से दिख रही है हमें यहाँ पे. तो जब हम पूरा बना देंगे ना तो इसके holes दिखने लगेंगे properly. Okay. और ये पीछे से ऐसा दिखेगा, इस तरह के V's बनते जाएंगे. Okay. Wow. Fine. I'll send a screenshot if you want. Sure, sure, Richa. आप इसका फोटो जरूर भेजिए ताकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अच्छे से आइडिया आ जाए कि ये डिजाइन कैसे होती है, कैसे दिखती है आफ्टर फाइनल टच. फिर भी आपको जस्ट अ मोमेंट.
अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है मैम, आई कैन सी योर क्वेरीज, बट कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग वापस से देख लीजिए, बिकॉज रिचा इज वेरी पेशेंटली टॉट इट टूडे, काफी पेशेंटली उन्हें सिखाया है. आप ध्यान से अगर देखेंगे तो काफी अच्छे से आज क्लियर हो गया है वो. तो प्लीज डू नॉट वरी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, प्लीज रेफर टू द रिकॉर्डिंग ऑफ टूडे एंड ऑल्सो यस्टरडे टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर. यस रिचा, ओवर टू यू अगेन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फुलकारी एम्ब्रॉयडरी. All right. So the threads that we'll be needing are these. These are satin threads. Yeah, इसको silk threads भी बोलते हैं. Fine. So फुलकारी में, because आपने notice किया होगा, जितने भी samples मैंने दिखाए उसमें थोड़ी shine है. तो shine will come only if you use these. Fine. Okay. So इस तरह मेरे पास देखिए बहुत सारे threads हैं. Like I've got one full big box full of. So इस तरह से different companies के available हैं. So that is not प्रॉब्लम. इसमें यहाँ लिखा भी रहता है मशीन एंड हैंड एम्ब्रॉयडरी. फाइन, तो आप इस तरह से ले सकते हो. गुड शाइन ऑन दीज थ्रेड्स एक्चुअली, काफी अच्छा, इट हैज ऑन इट डेफिनेटली. देन यू गेट इन दीज टाइप ऑफ स्पूल्स ऑल्सो इफ यू आर यूजिंग फॉर द commercial, then you can buy these big ones. And then they have this shaded ones as well. Agar aapko shaded use karna hai, to aap shaded bhi use kar sakte ho. Oh. And they are like, jo bhi aap color bolo, it's available. Fine? So they have very nice colors. Okay. Kaafi achche achche bright bright colors hai, Richa, aapke saath. I really love these colors. Right, right, right. So Richa, should we ask our audience today कि आप कौन से कलर से स्टिचिंग करें, जो जिसे मेजोरिटी होगी, यू कैन स्टिच इट विद दैट कलर, व्हाट से इवन दे विल बी हैप्पी. यस, ऑल राइट. तो आप बता सकते हैं कि कौन से कलर से रिचार्ज स्टिच करना चाहिए, आपको कौन सा कलर उस स्टिचिंग में देखना पसंद आएगा. आई कैन सी पिंक, मेजेंटा, ओके पिंक, ओके येलो, ऑल राइट, पिंक. Actually, फुलकारी embroidery is very colorful. जो उसके flowers होते हैं ना, बहुत colorful होते हैं. Right. वो normally एक color से नहीं बनता है. So we have to have at least three colors. क्योंकि उसकी जो petals होती है ना, अगर हम एक ही color से पूरी petal बनाएंगे, तो उसमें उतना अच्छा look नहीं आएगा. True. That's why we have to make it half and half. All right. तो सभी का मन रख लेते हैं हम लोग के. आप यहाँ पे येलो भी सेकंड मेजोरिटी पे है, रेड देख सकती हूँ मैं, ब्लू भी है. जैसे ये फ्लावर देख रहे हो आप, यस, इट हैज मजेंटा एंड ग्रीन बोथ. ओके, राइट. सो ऐसे हमको दो तीन कलर्स चाहिए होंगे, और लीव्स के लिए फिर हम एक कलर और लेंगे, दैट इज ग्रीन, बिकॉज लीव्स आर नॉर्मली अ ग्रीन कलर. तो हम मजेंटा के साथ एक और कोई कलर चूज कर सकते हैं, कि मजेंटा के साथ हम कौन सा दें. We can have yellow over here, Richa, क्योंकि येलो की भी काफी डिमांड मैंने देखी है. I will not take yellow because yellow पे yellow दिखेगा नहीं, and then you guys won't like it. Oh right, right, right. We are having a yellow cloth today. So we can take blue if you want. Yes, any of these blues. Yes, blue की भी actually काफी डिमांड थी. I can see if I scroll up. So yes. So we'll be using these three colors. All right. Okay. एंड मैं आपको इसके पीछे का भी एक बार दिखा देती हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा एक आइडिया हो. Sure. पीछे की तरफ सिर्फ ऐसे डॉट्स नजर आते हैं. ओके, द एंटायर एम्ब्रॉयडरी इज इन द फ्रंट एंड एट द बैक यू सी ओनली दीज डॉट्स. यस यस, राइट. तो अगर आपको ये डॉट्स इतने फाइन और इतने प्रोपोर्शन में दिख रहे हैं, मीन्स दैट इट इज हैंडवर्क. और अगर बहुत सारी लाइंस जा रही है और पीछे एक अलग तरह का धागा चल रहा है, मींस इट इज मशीन वर्क या कंप्यूटराइज्ड करा हुआ है. फाइन, ओके. सो अब हम इसके मोटिव्स देख लेते हैं, कि इसके मोटिव्स कैसे बनेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे एक मोटिव ऑलरेडी इसमें ड्रॉ करके रखा है. फाइन, यस, ओके. सो आई विल टेल यू दिस वन हाउ टू मेक इट, एंड देन आई विल टेल यू वन और टू मोर, एंड देन यू कैन मेक इट अकॉर्डिंग टू योर विश. इसके मोटिव के लिए भी हमको ग्राफ पेपर चाहिए होगा, क्योंकि दिस ऑल मोटिव्स आर ज्योमेट्रिकल. फाइन, तो ज्योमेट्रिकल मोटिव के लिए हम सबसे पहले स्क्वायर्स काउंट करके और एक स्क्वायर ले लेंगे. जैसे यहाँ पे हमने
फोर स्क्वायर्स मैं ले रही हूँ, फाइन, और फोर स्क्वायर्स मैं इस साइड भी लूंगी, लाइकवाइज ऑन दिस साइड एंड दिस वन. सो ये मेरा फोर स्क्वायर्स का एक पैटर्न रेडी होगा. तो ये पैटर्न रेडी करने के लिए सबसे पहले हमको इसमें एक क्रॉस और एक प्लस का साइन बनाना है. तो दिस इज अ क्रॉस, फाइन, एंड सेम वे आई विल पुट अ प्लस व्हिच विल क्रॉस इन द सेंटर. जो बीच में से डिवाइड कर रहा है इसको, वैसा ही एक प्लस साइन भी मैं इसमें बना रही हूँ. ऑल राइट, तो यू कैन यूज अ स्केल ताकि आपकी लाइंस एकदम स्ट्रेट आए. फाइन, सो अब ये जो हमारा डिजाइन है ये प्रॉपरली पूरे प्रोपोर्शन में डिवाइड हो गया है. क्लियर? यस. सो नाउ वी हैव टू मेक एम. एम हम बनाएंगे क्योंकि आप ये देखो यहाँ पे सब तरफ एम का शेप बना हुआ है. फाइन, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल एंड आई एम मेकिंग अ एम. एक ब्लॉक लेकर मैं ये एम का शेप बना रही हूँ. फाइन, सो ये एम का शेप मैं सारे ब्लॉक्स में सेंटर में बना देती हूँ. ओके, यू कैन यूज अ स्केल, आप आराम से स्केल से बनाइए और प्रोपोर्शन में आएगा. फाइन, अब ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं इसको भी मैं एक एम के शेप से कनेक्ट कर देती हूँ तो हमको एक फ्लावर का शेप मिल जाएगा. आपने देखा कितना इजी वे में मैंने आपको बताया है. मैं अभी आपको वही बोलने वाली थी, ये फ्लावर अगर पहले इसमें देखने जाता ऐसा लगता है इतना डिफिकल्ट होगा ये, बट आपने जिस तरीके से सिखाया इट्स वेरी सिंपलीफाइड एक्चुअली, काफी सिंपल वे में आपको आपने सिखाया हमें. थैंक यू रिचा. मोस्ट वेलकम. अब हम ये वाली लाइंस को कनेक्ट करके इसकी छोटी छोटी लीव्स बना देते हैं जो कि हम ग्रीन कलर से करेंगे. ओके, फाइन. सो ये हमारा फ्लावर रेडी है एकदम. अब मैं आपको इसी का जो बिगर वर्जन है वो एक बार और ड्रॉ करके बता देती हूँ, देन वी विल स्टार्ट द एम्ब्रॉयडरी. तो यहाँ मैं बिगर वर्जन के लिए आई एम टेकिंग सिक्स स्क्वायर्स. फाइन, तो आप इसका प्रोपोर्शन प्रॉपर रखिए कि हमको एक प्रॉपर स्क्वायर चाहिए होता है इसके लिए. ओके, एंड देन आई टेक सिक्स स्क्वायर्स ऑन दिस साइड एज वेल. ओके ओके, तो पहले हमने चार स्क्वायर का देखा था और अभी उससे बड़ा जो वर्जन है रिचा हमें दिखा रही है, तो ये छह स्क्वायर का होगा. फाइन, यस यस. अब ये वाला इज क्वाइट सिमिलर, सो मैं ये वाला नहीं दिखा के, आई एम टेलिंग यू दिस वन. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है. अब इसमें हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे. पहले फर्स्ट विल ड्रॉ अ स्क्वायर. That means I'm dividing this entire big square into four small squares. तो ये हमको एक middle point मिल गया, intersection point. Fine. So we've got one middle point and now we'll just connect these lines. ये जो हमारा first square है इसके साथ हम diagonally ये lines को connect करेंगे. Fine. Same here and then same here. Perfect. And then the next one. So इसमें रीचा एक्चुअली एंगल्स भी उतने ही मैटर करते हैं आइल से. राइट, तो इसके बाद जो भी नेक्स्ट स्क्वायर का टिप आ रहा है वो लेंगे और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे. एंड सेम वे हियर, इसके बाद जो भी लाइन आ रही है हमारी जो स्क्वायर की फर्स्ट आउटलाइन है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे. और आप प्लीज पेंसिल से बनाइएगा, मैं पेन से बना रही हूँ बिकॉज आप लोगों को कैमरा में ताकि अच्छे से दिखे, बट आप लोग प्लीज पेंसिल से बनाइएगा ताकि कहीं गलत भी होता है तो यू कैन इरेज इट एंड मेक इट अगेन. राइट राइट. इसका भी डिजाइन काफी प्यारा बनेगा वैसे रीचा, एज वी कैन सी. हाँ, ये भी बहुत सुंदर बनेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि एक फ्लावर बनाएंगे हम और एक ये वाला पैटर्न बनाऊंगी तो आपकी सारी स्टिचेस इसमें कवर हो जाएंगी. राइट राइट. अब ये जो हमारा बचा हुआ स्क्वायर है इसको भी हम लाइंस के थ्रू कंप्लीट कर देंगे, लाइक सो. ओके, सो जब ये डिजाइन बनाएंगे हम लोग रिचा तो इट विल बी लाइक अल्टरनेट कलर्स. या आई विल शो यू. ओके,
तो रिचा, वैसे प्रियंका जी कह रही थी जब मैंने उन्हें कलर्स के लिए सवाल पूछा, तो शी इज वेरी ऑब्जर्वेंट विद यू, सो शी सेड देयर इज नो रेड कलर व्हिच इज रिचाज फेवरेट. आई वॉज जस्ट अबाउट टू से कि आज मैं रेड नहीं बना रही हूँ. वी हैव दिस बिग रेड ओके ओके बट टूडे आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन मजेंटा सो दैट थोड़ा सा कलर स्कीम चेंज हो जाए. All right. So now we'll transfer this with a brown paper on our fabric. Fine? So yes. मैं ये बड़ा वाला transfer कर लेती हूँ ताकि ये छोटा complete करने के बाद then we can move ahead with the big one. Okay. और इसको आप butter paper में transfer करके then transfer it on your uneven copy. आप इसको पहले butter paper पे इसके ऊपर butter paper रखिए इस तरह से और इसको पूरा ड्रॉ करिए और फिर कार्बन से आप अपना ट्रेस करेगा. बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम नहीं तो हमारा सेशन बहुत लंबा हो जाता है और मैं फिर सब उसमें प्रॉपरली आपको बताना चाहती हूँ. तो बिकॉज ऑफ दैट हम अपना इसमें ट्रांसफर करते हैं सो दैट टू डिफरेंट फैब्रिक्स का इफेक्ट आपको दिखेगा. डेफिनेटली. और एंड ऑल्सो रिचा, आपको प्रैक्टिस भी अभी इसकी हो गई होगी अच्छे से, राइट? राइट राइट राइट. कार्बन तो आप बटर पेपर वाला स्टेप प्लीज मिस मत कीजिएगा जो रिचा ने बताया था हमें. इवन कसौटी के वक्त रिचा ने हमें वो स्टेप अच्छे से सिखाया था. प्लीज डू फॉलो दैट सो दैट आपकी जो डिजाइन है वो गलत ना हो कहीं पे. और आप आराम से कार्बन पे ट्रेस करिए. कार्बन पे ट्रेस करते समय भी यूज अ स्केल क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं. अगर ये बेबी या कर्व जाएंगी तो फिर आपका डिजाइन भी उस तरह से प्रॉब्लम करेगा. तो यूज अ स्केल. अभी मैं इससे कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी से कर सकूं. बट यू टेक योर टाइम एंड देन डू इट. एंड ऑल्सो रिचा ने उस दिन भी हमें एक ये टिप दिया था, आई रिमेम्बर, कि जब आप लोग कार्बन पेपर पे ट्रेस कर रहे हो तो प्लीज इसे देखते रहिएगा कि अच्छे से ट्रेस हो रहा है या नहीं. राइट रिचा? राइट राइट. एंड वन मोर टिप आई गेव दैट व्हेनेवर यू आर डूइंग विद, सपोज यू हैव मेड योर डिजाइन विद पेंसिल, सो व्हेन यू आर ट्रेसिंग यूज पेन सो दैट यू नो व्हाट लाइंस यू हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड व्हाट व्हिच वंस आर लेफ्ट. Right. तो आपकी जो लाइंस हैं वो आपको समझ में आ गया कि आपने कौन सी कंप्लीट कर ली और कौन सी बाकी है. बिल्कुल. और अगर आपने पेन से बनाया तो अगर ब्लू पेन से बनाया तो जब आप कार्बन से ड्रॉ कर रहे हो तो उसको रेड कर दो तो इजीली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो. ओके. तो ये हमारा पैटर्न बन गया है फुलकारी के लिए एंड हम पहले वो इजी वाला बनाएंगे एंड देन वी गो फॉर दिस वन. और यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा बना के रखा आपके लिए. So this is a small one. We are doing it right now. Right. All right. Yes. अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे से ही देखते हैं रिचा. We'll keep the angle from behind ताकि आपको भी problem ना हो. This is fine. Yes. We just need to ये आप थोड़ा सा टेबल की तरफ ले लीजिए ताकि क्लियरली वो विजिबल हो जाए आपका रिंग. या परफेक्ट. थोड़ा सा इसको इधर कर दो, मेरा हाथ में चले गया. दैट्स इट. ओके ओके. सो प्लीज यस लिख दीजिएगा अगर आपको ये प्रॉपरली दिख रहा है. अभी हमारा जो रिंग है जो भी रिचा अभी काम करने वाली है तो प्लीज राइट अ यस इफ यू कैन सी इट प्रॉपरली. I think this is fine. Zoom it a bit. I guess उन्हें थोड़ा सा zoom चाहिए. Okay, okay. This is perfect. I'll say. Sure. Okay. Thank you. Okay. Thank you for your responses, everyone. So we are going to use green for the leaves. ये जो हमने leaves बनाई है उसके लिए. और ये जो petal है, जो फूल की पत्तियां हैं, उसमें मैंने एक side pink किया है, like magenta. एंड ऑन द अदर साइड आई विल बी डूइंग ब्लू. फाइन. तो ब्लू के लिए मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे इसको हमको लेना है. ओके. नीडल में जो हम थ्रेड डालेंगे इसमें सिर्फ डबल थ्रेड डलता है. फाइन.
यस इसमें टू स्ट्रैंड्स का थ्रेड यूज होएगा हम लोग जैसे अभी तक 4 या 6 ले रहे थे उतना हमको नहीं लेना है ओके रिचा और इसमें धागा भी आप बहुत बड़ा मत लो क्योंकि इट्स सैटिन थ्रेड या सिल्क थ्रेड जो भी आप बोलना चाहो तो ये बहुत ज्यादा स्लिप करता है तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू हैंडल बट नॉट दैट मच थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा तो ये मैंने डबल स्ट्रैंड लिया है एंड आई एम जस्ट पुटिंग दिस इन द नीडल ओके फाइन यस और मैं इसमें नॉट नहीं बना रही हूँ See, this side I've left it like this. So, अब मैं आपको दिखाती हूँ बिना knot के आपको कैसे करना है. So, I'm starting from here. ये वाली petal मैं पूरी ऐसे long stitches से complete करूँगी and then from here only I'll go and finish this side. Fine? Okay, Richa. So, ये जो stitch है इसको मैं नीचे से needle नहीं डालने की जगह ऊपर से डालूंगी. ये देखो आप यहां से मैंने बहुत छोटा सा एक stitch लिया और नीडल ऐसे निकाल लिए तो ये जो मेरा एंड है मैं अपनी नीडल को इसके अंदर से लूंगी ताकि ये ऑटोमेटिकली एक नॉट हो जाएगा ओके फाइन यस यस एंड नाउ आई स्टार्ट विथ माय वर्क और रिचा थोड़ा सा आप कैमरा की इस तरफ से दिखा सकते हैं बिकॉज़ इट्स नॉट दैट विजिबल थोड़ा आउट ऑफ द फ्रेम जा रहा है एक्चुअली हमारा एक मैं देख लूं या दिस इज फाइन यस 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 दिस इज फाइन ओके So, ये हमने लिया अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट स्टिच देंगे और इस साइड में एक छोटा सा स्टिच दूंगी मैं फाइन सो दिस इज हाउ यू विल डू इट एक छोटा छोटा स्टिच बोथ साइड्स ओके और दोनों साइड बहुत छोटा सा हमको स्टिच देना है फाइन और इस तरह से इसको कंप्लीट करते जाना है ओके सो दिस इज व्हाई कि पीछे सिर्फ एक छोटा सा डॉट आता है राइट 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 द एंटायर थ्रेड विल मूव ऑन द फ्रंट एंड बैक में सिर्फ हमको एक छोटा सा डॉट मिलेगा ओके इसमें सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है और वो ये कि जब हम इस तरह से स्टिच कर रहे हैं तो हमारा इक्वली ये थ्रेड मूव होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि एंड में हमारे पास इधर ज्यादा बच जा रहा है और इधर खत्म हो जा रहा है फाइन सो ओनली दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड और देखिए कि बीच में गैप्स नहीं आए बहुत छोटे स्टिचेस आप लीजिए ओके ये बहुत ईजी वर्क है मतलब अगर आपको समझ में आ जाए अगर आपको इसकी ट्रिक समझ में आ जाए कैसे करना है तो ये बहुत जल्दी बन जाता है ऑल राइट टीचर सो दीस टिप्स एंड ट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से कि आप राइट ध्यान से सुनिए ताकि आपका जो वर्क है वो कहीं बिगड़े ना और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी होती है लाइक इट्स डन ऑन कॉटन इट्स डन ऑन वॉयल ऑयल के दुपट्टों पे बहुत अच्छी लगती है देन सिल्क्स में भी रहती है पर नॉर्मली इट्स ऑन कैमरिक फैब्रिक या फिर व्हाट यू कॉल कॉटन्स और जैसे कॉटन में फिर भी हमको थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि नीट थिक होता है फैब्रिक एंड इट्स डन ऑन शिफॉन साड़ीज शिफॉन दुपट्टास सो वो भी बहुत प्रिटी लगता है पर अभी स्टार्टिंग के लिए आई सजेस्ट कि आप कॉटन से स्टार्ट करो Okay. And if you are having problem handling this satin thread or silk thread, you can always start with your anchor ke cotton ke dhage. Aap usse ek do baar practice karke fir aap silk pe ja sakte ho. Okay. And especially because of the lockdown and all things are not available that easily, to aap cotton ke thread se bhi bana sakte ho. Aur fir baad mein agar aap chaho to you can do it with silk threads. Okay. इसको लाइक हिंदी में जैसे रेशम के धागे भी बोला जाता है जी जी बिल्कुल वैसे रिचा मैं थोड़ा सा स्टडी कर रही हूँ क्लास में जो आने से पहले तो मैं पढ़ रही थी एक्चुअली मैं सबको बताना चाहूंगी ये भी बात तो आप बस मुझे कंफर्म कीजिएगा कि ये जो आर्ट है फुलकारी का वो पंजाब में जब शुरू हुआ था जी तब ये सिर्फ वो कमर्शियल यूज के लिए नहीं था ये सिर्फ घर वालों के लिए वो बनाते थे इज दैट ट्रू राइट इट वाज नॉट फॉर कमर्शियल यूज वो सिर्फ अपने लिए खुद के लिए बनाती थी लेडीज बिकॉज़ दे यूज्ड टू स्टे एट होम और अपने टाइम पास के लिए एंड ऑल इट स्टार्टेड और फिर धीरे धीरे बिकॉज़ इतना सुंदर बनने लगा कि धीरे धीरे फिर इट स्टार्टेड एज अ कमर्शियल बिजनेस राइट एंड इट्स आल्सो सेड कि यू नो ये अभी भी फुलकारी का जो हैंडमेड आर्ट है इट्स क्वाइट रेयर यू डोंट गेट इट एवरीवेयर मतलब मशीन में तो मिल जाता है बट फुलकारी का जो ओरिजिनल है ऑथेंटिक इट्स वेरी रेयर टू फाइंड
और हैंड का बहुत एक्सपेंसिव भी देते हैं लोग. मशीन वाला यू विल गेट इट इजीली लाइक दुपट्टा फॉर नॉट टू हाई प्राइस. बट जो हैंड के होते हैं वो मिलते भी नहीं है, बहुत रेयर रखते हैं शॉपकीपर्स बिकॉज पीपल डोंट वॉन्ट टू गिव दैट मच ऑफ प्राइस. बिकॉज एक तो ये भी रीजन है प्राइजेस हायर एंड द अदर वन इज क्योंकि मशीन वाला जो होता है ना इट्स मोर नीट. राइट राइट. तो हैंड की कंपैरिजन में अगर आप मशीन वाला वर्क देखोगे तो इट्स मोर नीटर. That is true, but Richa, I'll say कि जो हाथ से जो इतना personalized touch आ जाता है वो तो उसमें नहीं है, right? उसकी कोई मतलब no comparison. True, true. अब ये जैसे मैंने ये stitch यहाँ complete कर दिया है. Yeah. Fine. Okay. So I'm just taking one small stitch here. Sorry. Yes, I'll complete this in the center so that main center se hi is side ja sakun. Fine. Okay. And you see at the back, so I'm getting only dots. Yes. Perfect. So this is how you're going to make it. Ek leaf hum aur bana lete hain quickly. Richa, can you also show ki aapne no needle mein jo ye thread hai wo kaise dala hai? Do you want to see it again? Yes. The knot part जो मैंने knot बताई थी. Knot भी और like overall भी आपने जो needle में जो thread insert किया था वो आप क्या पहले से पूरा बता सकते हैं? So मैं अभी green thread डालूंगी then I'll show it again. All right, perfect. Fine. Yes. So हम यहाँ पे move करते हैं ahead. हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम इधर से start करें from the tip ताकि ये complete हो और हमको knot नहीं बनाना पड़े. And then I can finish this leaf. Same way when I start this leaf, I'll start from here and move and finish it from here. So ek bar mein do leaves ban jati hain. Okay. So ab main isko yahan se lungi. Very small stitches you have to take. Tabhi wo proper dense banega. Right. मतलब नहीं तो gaps काफी ज्यादा दिख जाएंगे अगर नहीं तो फिर. हाँ, right. और जितना डेंस वर्क होगा उतना एक्सपेंसिव होगा. वो तो है बिकॉज़ इसमें इतना टाइम और यू नो मेहनत भी इन्वॉल्वड है तो ऑफ कोर्स इट विल बी एक्सपेंसिव. आई यूजुअली सी यू नो पीपल यू नो दे आर लाइक यार हैंडमेड काफी एक्सपेंसिव होता है. सो आई विल आल्सो लाइक टू टेल ऑल द लेडीज हु आर ओवर हियर जो हमारे साथ अभी बना रही है अगर आप ये प्रोफेशनली कर रही है तो प्लीज डोंट थिंक कि लोग ऐसे बोल रहे कि एक्सपेंसिव है. डू नॉट अंडर चार्ज इट बिकॉज आप अपना उतना उसमें मेहनत कर रही है अपना उतना टाइम दे रही है अपना पर्सनलाइज टच भी दे रही है. आप इसको कहीं भी कर सकते हो लाइक इफ अगर प्लेन कुर्ता है तो आप उसमें योक में कर सकते हो साइड्स में स्लिट्स में कर सकते हो नीचे घेर में कर सकते हो. यू कैन मेक अ टेबल क्लॉथ आउट ऑफ इट. यू कैन मेक अ दुपट्टा अ स्कार्फ मतलब एनीथिंग. यू कैन इवन मेक कुशन कवर्स. इसके कुशन कवर्स भी बहुत सुंदर दिखते हैं. टेबल मैट्स बना सकते हो. Even right. wall hanging you can make a bade se usme karke aur usko frame karwa lijiye so that will look good as well. I've also seen Richa iske kuch jo sofa covers hote hain wo bhi kafi acche dikhte hain. Right. Even sofa covers are there. There are endless number of things. Sari home furnishing aap le sakte ho isme. Uske alawa sab clothing materials le sakte ho. Mask mein bana sakte ho. It will give a nice new touch. Definitely. Mask तो अभी काफी ट्रेंड भी कर रहा है. Right. I have this query over here, Richa. I can see on a group. So can we use the same technique of knotting in the beginning for all types of embroidery? See, in this one we are taking just two strands. Fine. If we are taking four strands, तो हमारे पास वो loop नहीं रहेगा end में कि हम उससे knot बना सके. इसीलिए मैंने ये knot technique आपको पहले नहीं बताया. Okay. If you are taking two strands, तब आप बना सकते हो. All right. It will be clear when I use the green thread. Then it will be much clearer with you guys. Sure. तो just छोटा stitch लीजिए. जितना छोटा stitch लोगे उतना neat work बनेगा. Okay, I see. Richa, so we have people making with us.
Yes, I was about to say that कि yes, I can see कि काफी लोग हैं अच्छे से, काफी काफी beautiful beautiful ladies हैं जो हमारे साथ ये work कर रही है, and I can see ये Wow. मतलब day one से ही हमारे साथ जुड़ी हुई है, so I'm really happy to see कि इतना consistency है उनके work में. Right, right, right. So nice. Yes. There are people who like, I think we have a lovely audience and they try to give their 100%. Definitely, Richa, yes. So I can see, मैं आपको बता देती हूँ, जयश्री जी दिख रही है मुझे, रेखा जी दिख रही है, सब जो है वो हमारे साथ अभी बना रही है. कृतिका जी है, दीपाली जी है, ज्योति जी है, शुभलता जी भी है. I'm really glad to know that. Right, excellent. So now you can see, मैंने अपना front का pattern complete कर दिया है, and I've taken my thread at the back. Fine. So, मैं ये जो हमारी लास्ट स्टिचेस है उसके अंदर से मैं एक दो बार निकाल लूंगी इसको, और क्योंकि ये सैटिन थ्रेड है तो फिर भी इसके खुलने के चांसेस रहते हैं, तो आप इसको एक से दो बार निकालने के बाद इसमें एक नॉट भी कर दीजिए, जैसे हमने पहले सीखा था, थ्रेड के नीचे से लेके और फिर ये लूप में से आप अपना नीडल निकाल लीजिए, तो इट विल बिकम अ नॉट एंड इट विल सिक्योर, आपका अच्छे से फिक्स हो जाएगा. ओके, फाइन, परफेक्ट परफेक्ट. अब हम इसी में इसकी स्टेम और ये लीफ कैसे बनाते हैं ये ग्रीन कलर के थ्रेड से देखेंगे. श्योर रीचा. सो नाउ यू सी हाउ आई एम गोइंग टू पुट द थ्रेड, और ये इतने स्लिपरी होते हैं ना कि दैट्स व्हाई मैंने सब नीडल्स में डाल के नहीं रखा पहले से, क्योंकि डालने से वो उलझ भी जाएंगे और प्लस काफी स्लिपरी रहते हैं तो उनको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है. तो अब देखो ये मैं दो स्ट्रैंड्स ले रही हूँ, सी इफ दिस इज विजिबल. यहां से मैंने इसको ऐसे पकड़ा और इसको डबल कर दिया है. फाइन, सो ये डबल है मेरा और फिर मैं इसको यहां से कट कर दे रही हूं, तो ये मेरे पास डबल है और इस साइड से ऐसा लूप मिल गया है मुझे. राइट, फाइन, सो दैट इज व्हाई हम टू स्ट्रैंड्स में ही वो वाला नॉट बना सकते जो मैंने आज आपको बताया. ओके रीचा, फाइन, अगर ये फोर स्ट्रैंड्स होंगे तो हमको ऐसा लूप नहीं मिलेगा, या फिर आप दो सिंगल सिंगल थ्रेड अलग से लो और टर्न करो तो यहाँ पे दो लूप्स आ जाएंगे. फाइन, राइट राइट, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई विद दोस टू लूप्स. अगर बहुत मोटा आ रहा है ऊपर तो मत बनाओ, बिकॉज दीज थ्रेड्स आर वेरी सॉफ्ट एंड वेरी सिल्की, तो वो नॉट हमको कहीं दिखता ही नहीं है. ओके, पर कॉटन थ्रेड्स क्योंकि थोड़े मोटे होते हैं तो अगर हम फोर लूप्स टू लूप्स में से निकालेंगे या फोर लूप्स में से निकालेंगे तो वो थोड़ा थिक हो सकता है, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई. ओके, ये काफी टास्क लगता है मुझे रिचा, जब हम लोग को नीडल के नोज में एंटर करना होता है ना कोई भी थ्रेड, तो इट्स क्वाइट लाइक अ टास्क आई विल से. वेरी ट्रू. ओके, तो अच्छे से अभी इंसर्ट हो गया है, तो ये देखिए आप, ये इसका ये वाला लूप है. फाइन, सो नाउ आई विल डू द स्टेम. अब मैं स्टेम को अपना यहां से स्टार्ट कर रही हूँ, सेंटर से मैं इस साइड से स्टार्ट करती हूँ. ओके, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टिच दूंगी. फाइन, यस, और ये लूप में से निकाल लूंगी तो इट विल बिकम अ नॉट, और ये सिक्योर हो जाएगा. ऊपर ही दे रहे हैं, नहीं, नॉट एट द बैक, आई एम जस्ट गिविंग इट एट द टॉप. वो लूप में से बस निकालना, वो नॉट बन जाएगा. ओके ओके, फाइन, यस. अब हम यहाँ पे इस तरह से स्टिच देते जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ एक छोटा स्टिच दिया. फाइन, उसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा स्टिच दे रही हूँ. यस, सो द ब्यूटीफुल. अब जब मैंने यहाँ छोटा स्टिच दिया तो आई एम गोइंग टू कम बैक ताकि ये पूरा डबल हो जाए और थिक दिखे थोड़ा. हम इसमें थ्रेड्स ज्यादा थिक नहीं लेते हैं, बट हम इसको डबल कर लेते हैं. अब जैसे ये और ये लाइन बन गई है तो मैं यहाँ एक दोबारा से एक छोटा स्टिच लूंगी और ये डबल हो गया. फाइन, तो ये अभी डेंस दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा, या उठ के दिख रहा है. अब सेम वे आई विल टेक अ स्मॉल स्टिच हियर, तो ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन का स्टिच हो गया, और मैं वापस जाऊंगी तो आई विल मेक वन डेंस स्टिच हियर एज वेल. यस यस, तो ये डबल हो गया.
तो दिस इज हाउ इट्स डन. मैंने जैसे यहाँ पे एक दे दिया है ओके फाइन, और अब मैं इसका ये बीच वाला स्टेम बनाती जाऊंगी. सो दैट इज इस तरह से आप छोटा छोटा स्टिच देते जाओ और इसकी स्टेम कंप्लीट कर लो. ओके सो हम लोग ये सेंटर में से भी ले रहे हैं फ्लावर के रीचा. सॉरी हम लोग जो फ्लावर का सेंटर है उसमें भी हम लोग ये ले रहे हैं लाइक द लाइन. हाँ इट विल गो ऑल, ये पूरा ऐसे जाएगा इधर और ये वाली लाइन जाएगी इधर. अच्छा अच्छा सो वी आर कनेक्टिंग द टू साइड राइट नाउ. या ओके ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रीचा जो है वो दोनों साइड कनेक्ट कर रही है अभी फर्स्ट ग्रीन से. आई होप इट्स विजिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस 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 इट्स विजिबल. आप भी एक बार यस लिख दीजिएगा ताकि हमें भी समझ आ जाए क्योंकि मेरे एंड से तो इट्स प्रॉपरली विजिबल टू मी. ये आप देखो मैं इस तरह से अब इस साइड में आ गई हूँ. ऑलराइट छोटा छोटा बस स्टिच हमको एक अंदर से लेना है. ओके यस थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर कंफर्मेशन. This angle is perfect. Okay, thank you, Preeti ji. Thank you. Fine. Yes, perfectly fine. So, ये मैंने इस साइड लिया. अब इसको double कर दिया by taking a small stitch here. Yes. And then again, I'll take a small stitch here. तो ये मेरा एक stitch हो गया. और यहाँ center में आके मैंने दोबारा छोटा stitch लिया तो ये मेरे दो stitches complete हो गए. Okay. Fine. Perfectly fine, Richa. Now I'll make this center one. तो यहाँ भी मैंने एक छोटा सा stitch लिया और यहाँ आके दोबारा एक छोटा stitch ले लिया. तो ये मेरा center भी double हो गया है. Right, right. Fine. Yes. अब ये वाला जो stitch है हमारा ये अभी double नहीं है. Fine. तो अब हम ऐसे वापस आएंगे इसमें ताकि ये भी एक बार double हो जाए. Oh, okay. तो इसके लिए भी मैं अब सेम वही जगहों पे जहां पे मैंने एक छोटा स्टिच लिया था ऑन द सेम प्लेसेस वेयर आई हैव टेकन अ स्मॉल स्टिच अर्लियर आई एम टेकिंग वन मोर टाइम सो दैट इट बिकम्स लिटिल डेंस और थोड़ा विजिबल हो. राइट इनफैक्ट आप जब ये करेंगे ना तब आपको ये छोटी छोटी जगहें दिखेंगी ऑल्दो इट्स नॉट कम्प्लीटली क्लियर इन द कैमरा बट जब आप कर रहे होंगे तो आपको पता होता है कि आपने फर्स्ट स्टिच कहाँ पे दिया है डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे. राइट राइट एंड लाइक द पीपल हु आर मेकिंग अलोंग दे माइट बी थिंकिंग कि हम लोगों को सब समझ में आ रहा है. राइट राइट सो एज रिचा सेड यस्टरडे कि आप प्लीज एक बार तो एटलीस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा ये सारे स्टिचेस ताकि आपको ही समझ आए कि आप कहाँ पे क्या करें बिकॉज सिर्फ देख के यू कांट नो द एग्जैक्ट थिंग्स. You don't know right. exact things. So see, we have completed this center one and it's become dense and nice dark stitch. Yes, yes. Fine. Looking very so beautiful. इसी तरह से आप ये पूरा pattern complete कर लीजिए. So it will become a one basic fulkari flower that will be done. Okay. Okay? Yes, yes. Just give me a second. Sure, Richa. So, जैसे ही रिचा जब तक आती है तब तक मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. तो मीना सॉरी हमारा जो फुलकारी है उसके अंडर कितने टाइप्स के जो है सब स्टिचेस होते हैं लेकिन वो पैटर्न्स होते हैं आप मुझे बता सकते हैं जैसे कि मीनाकारी हुआ या फिर अलग अलग ऐसे कौन कितने टाइप्स होते हैं आप मुझे बता सकते हैं. तो मैं आपको हिंट भी दे दूंगी कि हिंट ये है कि द नंबर इज फ्रॉम 5 to 12. तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितने टाइप्स के हैं और मैं उनके नाम भी आपको बता सकती हूँ थोड़े थोड़े ही नॉट ऑल ताकि आपको एक अंदाज आ जाए मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. सो पंचरंगा होता है कौड़ी बाग होता है तिरमा होता है. सो नाउ यू कैन टेल मी कि कितने टाइप्स के जो है फुलकारी में पैटर्न्स होते हैं स्टिचेस होते हैं.
So this one, we are done with this. And now I'll show you the other one that we have traced and kept. जो हमने अभी हाल trace किया था, हम वो वाला pattern देखेंगे. All right. तो रिचा, जब आप यहाँ पे नहीं थी तो मैंने इन सबसे एक क्वेश्चन किया था जी कि फुलकारी के अंदर कितने टाइप्स होते हैं. तो मैंने उनको एक हिंट भी दिया है, द नंबर इज फ्रॉम 8 to 10. तुझे यहाँ पे एक आंसर दिख रहा है कि 11, बट थोड़ा सा क्लोज है आप, 11 नहीं है बट यू आर क्लोज टू इट. माया जी, निकिला इज सेइंग 9, अगेन यू आर वेरी क्लोज टू इट, बट कोई बात नहीं, मैं ही आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ. सो 8 और 11 के बीच का. ओके, सुदीपा जी इज वेरी राइट, शी सेड 10. तो यस, फुलकारी के जो है वो 10 टाइप्स होते हैं. अब हम लोग जो इसमें कलर्स ले रहे हैं, आई विल टेक, हम एक ब्लू ले लेते हैं. ओके, और एक नॉट ग्रीन, येलो दिखेगा नहीं. सो शैल आई टेक दीस टू कलर्स? यस यस यस. बहुत डर के पूछ रही हूँ मैं. नो नो नो, वी ऑल लव रेड एक्चुअली. मुझे ऑरेंज लेना था, बट ऑरेंज अभी मेरे को सामने दिख नहीं रहा है. कोई बात नहीं, सो आई एम टेकिंग दीस टू कलर्स और हम इसके साथ बनाएंगे. तो हम पहले लेट्स स्टार्ट विद रेड. जो बना सकते हैं हम लोग ये स्टेप से. सॉरी, कैन वी मेक डिजाइन ऑफ स्पैरोज और समथिंग लाइक दैट? इसमें एक्चुअली इट्स ओनली फ्लावर्स, दैट्स व्हाई उसका नाम ही सिर्फ फ्लावर्स रखा है, फ्लो मतलब फुलकारी रखा है. ओके, क्योंकि इसमें सब ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनेंगे. आप बना सकते हो, वेरी ट्रू, इजीली बना सकते हो, पर द ओनली थिंग इज इट हैज टू बी ज्योमेट्रिकली मेड. जो भी आप स्पैरोज या स्पाइरल्स कुछ भी बनाओ, बट ज्योमेट्रिकली शेप्ड होना चाहिए ऑन अ ग्राफ पेपर. ऑल राइट, फाइन. ओके, सो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे एंड नॉट के बारे में भी. So don't worry guys, अभी भी वापस जब now Richa is stitching, so she'll show you the end knot. वो हमें जो last में उन्होंने knot बना था वो वापस से दिखा देंगी ताकि आपको clearly दिख जाए. Right. मैं आपको एक मिनट, मुझे दो, मैं pencil वहाँ गई. Okay, sure. So जब तक Richa आती है तब तक मैं जैसे मैंने आपको question किया था कि 10 types के लिए, तो मैं आपको 10 टाइप्स कौन से हैं वो भी बता देती हूँ. तो सबसे पहले है थिरमा, दूसरा है दर्शन द्वार, तीसरा है भगवान बाग, फोर्थ इज वृद्धा बाग, फिफ्थ इज चोप, सिक्स्थ इज सूरजमुखी, सेवेंथ है कौड़ी बाग, आठवा है पंचरंगा, नाइन्थ है सतरंगा और टेंथ है मीनाकारी. तो ये है सारे 10 टाइप्स फुलकारी के. फुलकारी बहुत टाइप्स में होती है, तो अभी आपको हम लोग बेसिक कवर कर रहे हैं, फिर आप स्लोली स्लोली आप सीख सकते हो बाकी भी. अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, वी हैव 6 लाइंस, 6 डिवीजन इन 1 स्क्वायर, फाइन. तो हम ये जो आई डोंट नो वेदर दिस कलर इज विजिबल. नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट विजिबल, नॉट एट ऑल विजिबल. ये देखो ये वाला ब्लू, हाँ ये हल्का हल्का दिख रहा है. यस यस, ठीक है. तो हम ये वाले पार्ट को पूरा ब्लू करेंगे, मतलब वॉट एवर कलर वी हैव चोजन, फाइन. देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसको हम रेड कर लेंगे. ओके, रिचा आप उसे हल्का सा ना वेट कर सकती हो पेंसिल को ताकि उसका कलर हमें प्रॉपरली दिख जाए. यस यस यस. एंड देन सेम अगेन आई एम गोइंग टू यूज ब्लू हियर. ओके, and then red. Perfect. तो ये मैंने इसलिए किया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर रहे कि किस तरह से हम इसको फिल करने वाले. Sure. फाइन, और फिर हम एक अलग कोई कलर यूज करके ये वाला पार्ट बनाएंगे. ओके,
तो ये इस तरह से पैटर्न बनेगा. Yes. तो अब इसमें क्या होगा, जब हम ब्लू बना रहे हैं तो हम एक ब्लू कंप्लीट करके फिर दूसरी लाइन पे नहीं जाएंगे, हम एक बार में पूरा बनाएंगे. तो दिस इज अ सेकंड वे ऑफ डूइंग द फुलकारी. तो ये हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है. फाइन, सो आई हैव टेकन रेड थ्रेड और मैं अब यहाँ से रेड वाले से स्टार्ट करती हूँ. तो जैसे मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं ये ऊपर से स्टार्ट करूँ ताकि हमारा नीचे कोई नॉट नहीं आए. फाइन 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 टीचर. तो ये मैंने इस तरह से लिया ताकि मेरी नीडल टिप पे निकले. और ये लूप में से निकाल लिया. फाइन, सो दिस नॉट इज क्लियर. यस यस, ये हमारा थ्रेड अब सिक्योर हो गया. फाइन, अब हम इसको मूव अहेड करेंगे. यहां पे हम एक छोटा सा स्टिच लेंगे. द टेक्निक इज सेम. फाइन, सो ये हमने एक स्टिच लिया. ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन में फिर से एक छोटा स्टिच लेंगे. ग्रेट ग्रेट. फाइन, एंड देन इन द सेंटर छोटा स्टिच ले लिया हमने जी. एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिटर्न बैक. तो यहां हमने एक छोटा स्टिच दिया. ओके, तो रिचा जो हमने स्टेम के लिए किया था थोड़ी देर पहले, इट्स लाइक दैट ओनली, लाइक रिटर्निंग बैक स्ट्रेट. या इट्स लाइक जो हमने मेन फुलकारी का पैटर्न भी बनाया है ना, वो वैसे ही बनाया है. फाइन, वन स्टिच ऑन दिस साइड एंड वन स्टिच ऑन दिस साइड एंड देन वी आर फिलिंग. तो हम ये वन स्टिच जो यहाँ ले रहे हैं उसकी जगह हम कनेक्ट कर ले रहे हैं. तो थ्री लाइंस आर मेड इन वन गो. आप थोड़ा सा बनेगा तो आपको और समझ में आएगा. देन हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टिच ले लिया ऑन द टॉप एंड देन वी आर रिटर्निंग बैक अगेन. All right. तो हमको ये वाली लाइंस फॉलो करनी है ताकि हमारा जो डिजाइन है वो इस लाइन के अकॉर्डिंगली मूव हो. फाइन, देन अगेन आई विल टेक अ स्मॉल स्टिच हियर. आई होप विजिबिलिटी वाइज देयर इज नो प्रॉब्लम्स. नो रिचा, इट्स कंप्लीटली क्लियर राइट नाउ. इट्स ओके. देन अगेन वी विल गो बैक to do the next line. Okay. You need a lot of concentration, I'll say, while you know stitching, ताकि आपके stitches की गड़बड़ ना हो जाए. Right, right, right. तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज वॉच इट केयरफुली सो दैट आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो. सो वी आर डूइंग इट हियर पॉइंट टू पॉइंट. रिचा हमें पॉइंट टू पॉइंट दिखा रही है. और क्योंकि ये सैटिन थ्रेड से बन रहा है तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपके थ्रेड्स बीच में उलझे नहीं. फाइन, राइट राइट. रिचा, वी कैन आल्सो टॉक अबाउट द प्राइसिंग ऑफ इट, राइट? बिकॉज़ आई हैव गॉट दिस क्वेश्चन. या मैम, इफ यू आर टेकिंग ऑर्डर फॉर अ साड़ी, हाउ टू चार्ज फॉर इट? एक्चुअली इट टोटली डिपेंड्स कि आपके जो साड़ी है उस पे वर्क कितना है. वेदर यू आर गोइंग टू फिल द एंटायर साड़ी बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. फाइन, और अगर आप सिर्फ मोटिव्स बना रहे हो या सिर्फ बॉर्डर में बना रहे हो तो दैट इज टोटली उसके ऊपर डिपेंड करेगा. और प्लस कितने दिन लग रहे हैं आपको. अगर तो आप किसी वर्कर से बनवा रहे हो, लाइक योर कारीगर जो बैठ के बना रहे हैं, तो आप उनकी सैलरी के अकॉर्डिंगली चार्ज करो बिकॉज यू विल हैव टू पे देम. और अगर आप पूरा खुद बना रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि साड़ीज वगैरह पे आप अगर बना रहे हो तो मेक इट फॉर योरसेल्फ. सेल करने के लिए मत बनाओ क्योंकि इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम एंड एफर्ट दैट आई थिंक नो मनी कैन रिप्लेस इट. कंप्लीटली राइट, कंप्लीटली. सो इट्स बेटर यू वेयर इट रादर देन सेलिंग इट. राइट. एंड अगर आप दूसरों के लिए बना रहे हो तो आप कुर्तों पे बना लो जिसमें थोड़ा थोड़ा आपको बनाना है, नेक लाइन पे या स्लिट्स पे, या आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो उनका कोई पर्टिकुलर डिजाइन अगर है तो.
या फिर आप कुशन कवर्स पे बना के दे सकते हो ताकि वो प्रोजेक्ट्स जल्दी खत्म हो जाए. साड़ी विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. वेरी ट्रू टीचर. एंड आई गेस अगर साड़ी पे हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत से इतनी सारी स्टिचेस कर रहे हैं, तो देने में भी थोड़ा सा हार्ट हैवी हो जाता है, राइट? वही वही वही, वेरी ट्रू. इट्स लाइक इतना सुंदर बनाने के बाद किसी और को जो चीजें आपको हैंड इट ओवर, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मतलब मैं तो नहीं कर पाती है, मतलब इतनी मेहनत करके अगर इतना कुछ सुंदर बनाया है तो मैं अपने पास ही रखती हूँ ज्यादा. आई प्रेफर टू डू दैट. या दैट इज ट्रू. वैसे रिचा, आई कैन सी यू हैव पुट अप अ वेरी ब्यूटीफुल नेल कलर टुडे, तो आर यू अप फॉर अ नेल कलर यू नो नेल आर्ट जो सेशन हो रहे हमारे? नहीं, आई एम वेरी लेजी इन ऑल दीस थिंग्स. आई वाज टेलिंग माय डॉटर कि इफ यू वांट वी कैन टेक दैट क्लास, तो शी सेड मॉम आपके लिए तो कभी भी नहीं, बिकॉज़ यू हार्डली पुट एनी मेकअप. सो इवन फॉर द नेल आर्ट आई ट्राइड टू कन्विंस हर. Because she is small, so I don't want to indulge her in all this right, abhi. Right. Because right. abhi se 14 years ki hai. Very nahi to fir in log ka dimag usme hi zyada jata hai. That is true, that is true. So maine bola abhi thoda aur bada hone do, then you can take up. Maine bola dance vigera, zumba and all she took. So she enjoyed that's it. That's great. So zumba again, it will start very soon actually. Agar aap koi bhi interested ho zumba ke liye, क्लासेस के लिए, आप अलीपो का साइट 2 आप जरूर चेक कीजिएगा. राइट, डिजाइन इज लुकिंग ब्यूटीफुल. अभी इतना आगे आ गया है वैसे तो, लाइंस, इट टेक्स पेशेंस. ये पूरा जब बनता है ना तो इट लुक्स अमेजिंग. और इसको जो है ना बाग डिजाइन बोलते हैं, बिकॉज इट्स फुली लाइक पूरा भरा हुआ है. अच्छा, तो इसी वजह से इसको बाग डिजाइन बोला जाता है. जैसे दे डिपिक्ट की रेड कलर से एक फ्लावर है, ऑरेंज से एक फ्लावर है, ब्लू से एक फ्लावर है, लाइक दैट. एंड इट्स अ व्हाट डू यू कॉल, गार्डन फुल ऑफ फ्लावर्स. ओके ओके. यू नो लाइक रिचा, इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल इन आवर इंडियन कल्चर की हर एक चीज के पीछे ना एक सिग्निफिकेंट मीनिंग जरूर होता है. राइट राइट, वेरी ट्रू. एंड रिचा थैंक यू सो मच. यू नो आप हमें एक जगह पे बैठ के, मतलब यू नो सारी जो है एम्ब्रॉयडरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यू शो अस ओवर हियर. जैसे परसों हमने कर्नाटका का देखा, कल हमने लखनऊ का देखा, टुडे वी आर वॉचिंग फ्रॉम पंजाब. इट्स रियली गुड टू सी ऑल दिस. सो आप देखो ये इस तरह से बनेगा एंड इट विल लुक रियली नाइस. यस यस, दिस इज डेफिनेटली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. So, ये जो लाइंस है रीचा, जो बीच में हम ब्लैक वाली दिख रही है, वो वैसे ही रहेंगी? ये जो ब्लैक लाइंस है ना, बिकॉज आई हैव डन इट विद द कार्बन पेपर, फाइन. पर अगर आप इसको प्रॉपरली करोगे विद अ पेंसिल या थोड़ा लाइट, ये मैंने डार्क इसलिए किया कि आपको दिख सके कैमरा में. अच्छा, फाइन. अच्छा. तो ये बीच की लाइंस जो है ना, इट विल बी ऑफ फैब्रिक कलर. ओके परफेक्ट, फाइन. और पीछे से भी बहुत नीट आता है. Right, right. और थोड़ा सा यहाँ पे दिखा सकते हैं? Okay, now it's visible. Fine. So this is how you can complete this entire thing. आप पूरा red complete करो, then entire blue, then again red, then again blue, and here you can put a green. So it will give a separate type of a look. I'll show you a sample of this one. Sure, sure, Richa. Wow. So this is why it's called bag and the entire thing is covered. Perfect. तो ये देख रहे हो बीच बीच में ये जो इसके white दिख रहा है, this is the fabric. Okay, okay. And I guess यहाँ पे जो अपने एकदम starting में हमें shaded वाले जो रेशम के धागे दिखाए थे, I guess these are used over there. No, no, no. This is the red color and this is the orange one. Then here they have used green. Okay, so we can see, you know, some white वाला shade उसमें. तो I thought. No, it's just because of the shine of the thread. Oh, okay, okay. जो satin के thread की shine होती है ना, because of that. Okay. Fine. Right, right. So this is how you can complete this one. All right. And if you have any queries related to this, then we can take up those. Sure, sure, sure. So chat section तो already मैंने enable कर ही दिया है. तो प्लीज आपकी जो क्वेरीज है वहां पे पूछ सकते हैं. ओके, निखिला जी सिंह मैम, आई थिंक
This is the silk threads. Yes. And these are like the silk threads and plus ये twisted नहीं है. जैसे हमारे जो cotton के threads होते हैं वो twisted रहते हैं. तो हम उसमें से strands अपने हिसाब से निकाल सकते हैं. Fine. जी. But these are raw threads. तो इसमें सिर्फ एक ही strand है. Okay. Also, Richa, जो end में आप thread, can you just show how to put the end thread? End thread, how to do the ending? Yeah. ये जैसे मेरे को यहाँ पे अपना धागा अगर finish करना है, तो I'll just put it inside. Okay. और पीछे की साइड से आप ये जो स्टिचेस किए उसके नीचे से ले लो, दो बार ले लो. फाइन. और फिर ये जो लूप बन रहा है इसके अंदर से ले लो, तो ये एक नॉट बन जाएगा. क्योंकि कल जैसे मैंने आपको बताया था कॉटन थ्रेड्स में कि आप दो तीन बार नीचे से ले लो तो इट विल नॉट कम आउट और आप उसको कट कर सकते हो. बट बिकॉज दिस इज सैटिन एंड सिल्क थ्रेड तो ये स्लिप होके खुल सकता है, इसीलिए एक नॉट एंड में बांधना जरूरी है. बिल्कुल. तो आप बस लूप में से निकाल लो एंड द नॉट विल बी डन. ऑल राइट. ऑल्सो रिचा, कैन यू प्लीज शो अस द लीफ वापस से. सॉरी, लाइक कैन यू शो अस द स्टिचिंग ऑन द लीफ अगेन. दिस वन. यस दिस वन. दिस वन यू आर टॉकिंग अबाउट? यस रिचा. यस. ओके फाइन. जस्ट अ मिनट. So just take two strands of thread. Okay. And then start it. Okay. So I can see आपके काफी questions आ रहे हैं. कोई बात नहीं guys. I will take your questions one by one. अभी रिचा जो है वो stitching दिखा रही है leaf का, जो आपने पूछा था. So please आप देखिए अगर आपको concept clear नहीं हुआ है तो. I'm doing this one. Normally you will do the leaf in the end. आपकी दोनों leaves complete हो जाए उसके बाद आप leaf बनाओगे. Fine. Okay. ताकि ये जो green वाला thread है ये ऊपर से दिखे. Right. Fine. So अभी के लिए हम यहाँ से start कर रहे हैं. ये हमने ऊपर से एक छोटा सा stitch लिया और ये loop में से निकाल लिया to secure it so that our knot is secure. Then हमने यहाँ से लिया. Okay. Then again yahan se liya. So every stitch in the leaf pattern or the stem, this is the stem and this is the leaf. So every stitch in this one will go twice. Fine. Jaise ye maine do bar liya hai, waise hi is side mein bhi do bar lenge. Okay. And then here as well twice. All right. I can see there's this question, is this the last day? No ma'am, आज हमारा fourth day है. हमारा fifth day है जो कल है वो हमारा last day होगा. तो please do attend tomorrow's session. Yes, tomorrow we are going to do a very interesting and like very beautiful embroidery and that is ribbon work. बहुत सुंदर दिखता है और आप लोग इसको बना सकते हैं बच्चों के frocks के ऊपर, cushions के ऊपर, everywhere. Even on tissue box covers, बहुत सुंदर दिखता है. Definitely. Also, Richa, which fabric is good for fulkari work? Priyanka ji यहाँ पे पूछ रही है. See, normally जो fulkari work का main fabric रहता है, they do it on जो हल्का पतला वाला casement आता है, उसपे भी करते हैं for the cushions and all. जितना भी हमारी home furnishing से related है, वो सब उसपे करते हैं. और अगर हमको नॉर्मल कुर्ते वगैरह के लिए करना होता है तो कॉटन पे करते हैं. एंड दुपट्टा भी जो होता है इसका काफी हैवी होता है बिकॉज जो एम्ब्रॉयडरी इज क्वाइट हैवी, लाइक नॉट हैवी इन द सेंस, बहुत डेंस है. तो अगर हम हल्के कपड़े पे करते हैं तो बहुत जल्दी फटने के चांसेस रहते हैं. फाइन. क्योंकि नीडल इतनी बार अंदर जा रही है तो दे नीड अ लिटिल सिक्योर्ड फैब्रिक.
Ananta ji has a good question over here. She is asking, ma'am, can we mix two or more embroidery because we are using different types of threads, cotton and silk, etc. So yeah. How it looks if we mix the different types of embroidery? See, her embroidery ka na, because these are all traditional embroideries. So her embroidery ka ek apna beauty hai. तो अगर हम एम्ब्रॉयडरीज मिक्स कर देंगे तो दैट उनका खुद का एक जो आइडेंटिटी है दैट विल गेट लॉस्ट. ऑल राइट मैम. फुलकारी के 10 टाइप्स आई जस्ट सेंड इट इन द ग्रुप मैम. मैं आपको ग्रुप में लिख के भेज दूंगी ताकि आप अच्छे से नोट डाउन करके रख सकते हो 10 टाइप्स. यस देयर इज वन मोर डे सो यस इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस. यस सो वी विल बी हैविंग वन मोर डे. And you will find that you learn all the good, what do you call, interesting embroideries. Right, right. Certificates or recordings ki main aapko kal bata dungi sab details. Main abhi bata sakti, but kal I'll tell you in detail taki aapko yaad reh jaye. Thoda process hai, don't worry. Aapko sari jo uski details hai, main wo kal bata dungi. तो ये हमने एक बार कंप्लीट कर लिया है. यहाँ डबल कर दिया है, यहाँ भी डबल कर दिया. मैं ये स्टेम को दोबारा कर रही हूँ. फाइन. इन द सेम प्लेसेस जहां हमने छोटा स्टिच लिया है स्टेम में, हमको उसी जगह पे दोबारा एक छोटा स्टिच लेना है. ऑलराइट. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस. रिचा जी ने काफी अच्छी तरीके से फिर से हमें एक्सप्लेन किया है जो लीफ का स्टिच उन्होंने किया है. मंजू जी इज आस्किंग लाइक सारी मटेरियल्स जो हमें लगेंगे अब कल प्रिपेयर करने के लिए प्लीज लेट मंजू जी. एंड मैं सबको बता देना चाहती हूँ गाइस, प्लीज आपको जो पीडीएफ दिया है प्लीज उसे रेफर कीजिएगा. उसमें जो सारे मटेरियल्स है जो आपको लगेंगे उस सब की डिटेल्स रिचा ने ऑलरेडी दी है. द डिटेल्स फॉर मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल द क्लासेस हैव बीन गिवन बाय रिचा इन द पीडीएफ. राइट रिचा? या वी हैव शेयर्ड ऑल द लिंक्स आल्सो, लाइक इफ यू वांट टू ऑर्डर आल्सो. So you can easily order it from Amazon. I've already shared all the links of everything that is needed. Great, great. Deja, Meera ji is asking, raw silk can be used for this? Yes, you can use raw silk as well. आपके ऊपर है, आप कोई भी फैब्रिक पे बना सकते हो. The only thing is you have to be comfortable with doing it. तो पहले प्रैक्टिस के लिए आप कॉटन्स पे ट्राई करो and then move ahead with raw silk. Or even georgettes and chiffons like dupattas and all. You can go for georgette. Georgette mein thoda sa easy hoga karna in comparison to chiffon. Right. We have this question from Kritika ji or Richa. She's asking, yeah. Ma'am, how can we use multicolor threads? Multicolor thread means this is multicolor only. Okay. So ye multicolor hi hai Kritika ji, jo aap dekh rahe hain. Kyunki humne yahan तीन कलर्स यूज करें हैं. ओके. ऑल देन आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू रिगार्डिंग व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन. सॉरी रिचा, आई फॉरगॉट व्हाट डिड यू आस्क द लास्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड. इट वाज अबाउट द सिल्क फैब्रिक व्हिच वाज सपोज्ड टू यूज. सो ये जो रॉ सिल्क का फैब्रिक होता है ना, इट्स वेरी थिक. फाइन. ओके. स्पेशली द गाइज, आप लोग को रिचा जी की आवाज आ रही है क्या? प्लीज राइट डाउन अगर आपको आ रही है. ओके, कोई बात नहीं. आई गेस देयर इज अ स्मॉल ग्लिच. सेशन तो अभी मतलब टाइम तो खत्म हो गया है. कोई बात नहीं, वी कैन कंटिन्यू विद आवर सेशंस एंड क्वेरीज टुमारो. आई अंडरस्टैंड देयर वर लॉट ऑफ क्वेरीज. आज बहुत सारी क्वेरीज थी. तो एज वी नो की AMS सेशन हमारा होता है. यू कैन ऑल आस्क ऑल योर क्वेरीज ड्यूरिंग द AMS सेशन. आप AMS सेशन के दौरान आपकी जो भी क्वेरीज है वो ग्रुप पे रिचा के साथ आप रिचा को पूछ सकते हैं. कोई बात नहीं. एंड उसके बाद अगर वहां पे भी आपकी क्वेरीज नहीं सॉल्व हुई तो हमारा क्वेरी फॉर्म तो है ही, आपको पता है. तो यू कैन फिल योर क्वेरीज इन द क्वेरी फॉर्म. आप जो क्वेरीज है वो क्वेरी फॉर्म में फिल कर सकते हैं. एंड हमारा जो जैसे आप लोगों को टेंशन था कि अभी कल से तो क्लास खत्म हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम. आपने एक आर्ट सीख लिया है, वो है स्टिचिंग का, एम्ब्रॉयडरी का. एक और आर्ट सीख लीजिए, दैट इज नेल आर्ट.
जहाँ पे आपको मौका मिलेगा सीखने का, यू नो, ओम्ब्रे नेल्स, ब्राइडल नेल्स, होलोग्राफिक नेल्स, और ये सब हमें सिखाएंगे हमारी टैलेंटेड इंस्ट्रक्टर आरुषि. आरुषि विल टीच यू ऑल दीज ब्यूटिफुल नेल आर्ट्स इन द सेशन, जो आज से ही शुरू हो रहा है, शाम को शुरू हो रहा है. तो यू नो, दोपहर में आराम वराम करने के बाद आप एक नया आर्ट सीख सकते हैं, दैट इज नेल आर्ट. सो यू कैन लर्न द नेल आर्ट इन द एंड. सो दैट्स ग्रेट. एंड अगर आपको जो भी अभी क्वेरीज है रिचा को, मैं इसके बाद मतलब आप पूछ सकते हैं AMA सेशन के दौरान. सो डू नॉट वरी अबाउट इट. एंड ऑल्सो आपको आज का सेशन कैसे लगा ये प्लीज बताना, हमें मत भूलिएगा. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेल अस हाउ वाज टुडे सेशन, विल बी ग्लैड टू नो. आप हमें फीडबैक दीजिएगा, आपको मुझसे कुछ कहना है, रिचा जी से जो हमारी इंस्ट्रक्टर है उनसे कुछ कहना है, तो प्लीज जरूर बताइएगा. प्लीज लेट अस नो अबाउट इट. एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद अस हियर टुडे. थैंक यू, आप यहाँ बने रहे. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन गाइज. एंड ऑल्सो आपको जो रिकॉर्डिंग्स है इसकी, वो 30 मिनट के बाद मिल जाएंगी ग्रुप पे. रिकॉर्डिंग लिंक आपको मिल जाएगी. प्लीज यूज गूगल क्रोम ब्राउजर का ही इस्तेमाल कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग सच अ लवली एंड पेशेंट ऑडियंस. तो मिलते हैं कल इसी समय पे. एंड कल हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं रिबिन से एम्ब्रॉयडरी. विल बी नोइंग हाउ टू मेक एम्ब्रॉयडरी विथ रिबिन. थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू. बाय बाय.